इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की, जिसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस भी कहा जाता है, एंड इट इज ऑल्सो सेड टू बी एज मैटरनल इनहेरिटेंस। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस से हमारा मतलब है इनहेरिटेंस थ्रू साइटोप्लाज्म। क्योंकि जब भी हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तब बेसिकली हम न्यूक्लियर जीन्स की बात करते हैं। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम प्रेजेंट है, क्रोमोसोम में जीन्स प्रेजेंट है, और उन जीन्स के थ्रू जो कैरेक्टर्स इनहेरिट किए जाते हैं, जनरली इनहेरिटेंस में हम केवल उसी की चर्चा करते हैं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं। दिस वन इज अ सेल, सेल के अंदर प्रेजेंट है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होते हैं? क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स पर क्या प्रेजेंट है? जीन्स। तो देखिए, अगर मैं न्यूक्लियस की बात करूं तो यहां पर न्यूक्लियस के अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको क्रोमोसोम्स कहा जाता है, और इन क्रोमोसोम्स पर जीन्स प्रेजेंट होते हैं। दीज जीन्स आर कॉल्ड एज न्यूक्लियर जीन्स, और इन जीन्स की इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। यहां एक वर्ड में आपको और क्लियर कर दूंगा, आपने पढ़ा हुआ है कि जो ये क्रोमोसोम्स और जीन्स हैं इनके लिए टेक्निकल वर्ड यूज होता है, एंड दैट वर्ड इज जीनोम। एक और बात यहां पर क्लियर करना जरूरी है कि ये जो न्यूक्लियर जीन्स हैं, इन जीन्स को हम जनरली ए बी सी यानी कि रोमन लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं अगर मैं न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट साइटोप्लाज्म की बात करूं तो इस साइटोप्लाज्म में दो सेमी ऑटोनोमस या सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनली प्रेजेंट होते हैं। दीज आर सेमी ऑटोनोमस और सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज। ये हैं प्लास्टिड्स यानी क्लोरोप्लास्ट और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया। अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो प्लांट सेल में प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों प्रेजेंट होते हैं, जबकि एनिमल सेल की बात करूं तो एनिमल सेल में केवल माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इन दोनों ऑर्गेनेलीज की खास बात क्या है कि इन दोनों ऑर्गेनेलीज में अपना सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होता है, जिसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की भी कैपेबिलिटी पाई जाती है। ये डीएनए एमआरएनए भी बनाता है और प्रोटीन की सिंथेसिस भी करता है। इन डीएनए में जो जीन्स प्रेजेंट हैं, तो प्लास्टिड में जो जीन्स प्रेजेंट हैं, दीज आर कॉल्ड एज प्लास्टोजीन्स, और जो जीन्स माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट हैं, दीज जीन्स आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रियोजीन्स। और इन दोनों को ही मिलाकर हम जैसे यहां जीनोम वर्ड यूज किया था इन केस ऑफ न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, तो वहीं पर यहां जो साइटोप्लाज्म में जीन्स प्रेजेंट हैं उनके लिए हम एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, एंड दैट वर्ड इज प्लाज्मोन, एंड दीज जीन्स आर कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक जीन्स और प्लाज्मा जीन्स। तो सेल में दो तरह की इनहेरिटेंस हमें देखने को मिलती है, एक वो जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट क्रोमोसोम्स पर पाए जाने वाले जीन्स के द्वारा होती है, दिस इनहेरिटेंस इज कॉल्ड न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, और ये इन न्यूक्लियर जीन को हम रोमन लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जीन्स के थ्रू जो इनहेरिटेंस गवर्न होती है, दैट इज कॉल्ड एज साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। चूंकि साइटोप्लाज्मिक जीन्स या प्लाज्मा जीन्स न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट होते हैं,
इसीलिए इन जीन्स के इनहेरिटेंस को हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस भी कहते हैं, और प्लाज्मा जीन्स को हमेशा ग्रीक लेटर्स अल्फा, बीटा, गामा या कप्पा एक्सेट्रा से रिप्रेजेंट करते हैं। कप्पा इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर के, दिस इज कॉल्ड कप्पा। अब हम यह चर्चा करेंगे कि यह साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होती कैसे। अब देखिए इस वीडियो में हमें इस न्यूक्लियर इनहेरिटेंस से कोई लेना देना नहीं है। अब देखिए होता क्या है कि जब प्लांट्स में या एनिमल्स में कोई क्रॉस होता है, सपोज मैं प्लांट का अगर एग्जांपल लूं, दिस इज प्लांट ए और इसको हमने क्रॉस कराया प्लांट बी से। मान लीजिए प्लांट ए है मेल और प्लांट बी है फीमेल। मेल प्लांट से मेल गैमेट बनेगा और प्लांट्स में मेल गैमेट किस रूप में होता है? ओनली इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियस। प्लांट बी से फीमेल गैमेट बनेगा और फीमेल गैमेट किस फॉर्म में होता है? इन द फॉर्म ऑफ एग। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये जो फीमेल गैमेट है जिसको हमने कहा एग, एग में अपना न्यूक्लियस भी होता है और साइटोप्लाज्म भी होता है, लेकिन जो मेल गैमेट है वहां केवल न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म नहीं है। इसीलिए जब इनके फ्यूजन से जायगोट बनेगा तो उस जायगोट में न्यूक्लियस में तो इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन दोनों पेरेंट का होगा, लेकिन इस जायगोट में जो साइटोप्लाज्म आएगा, ये साइटोप्लाज्म को केवल फीमेल पेरेंट ही कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। यानी इस जायगोट में जो साइटोप्लाज्मिक जीन्स आएंगे वो केवल फीमेल पेरेंट से आएंगे, मदर साइड से आएंगे। इसीलिए इन जीन्स के इनहेरिटेंस को मैटरनल इनहेरिटेंस भी कहा जाता है। अब अगर यहां पर मैं एग्जांपल एनिमल्स का या ह्यूमन बीइंग्स का ले लूं, तो यहां पर मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट, देखिए मेल से कॉन्ट्रीब्यूशन होगा स्पर्म का और फीमेल से कॉन्ट्रीब्यूशन होगा एग का। जब स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है तो स्पर्म का केवल न्यूक्लियस ही एग में एंटर करता है, बाकी बॉडी एग में एंटर नहीं करती, और जो रिजल्टेंट जायगोट बनेगा इस जायगोट में न्यूक्लियस में तो मेल और फीमेल दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल होगा, लेकिन इसमें जो जायगोट बनेगा इस जायगोट में साइटोप्लाज्म का कॉन्ट्रीब्यूशन केवल एग करेगा, साइटोप्लाज्म का कॉन्ट्रीब्यूशन स्पर्म के द्वारा नहीं होगा। तो यहां पर भी जो जायगोट है, जायगोट में न्यूक्लियस में तो दोनों इक्वल हैं, लेकिन साइटोप्लाज्मिक कॉन्ट्रीब्यूशन केवल किसने किया? मदर ने किया। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मैटरनल इनहेरिटेंस। अब इस इनहेरिटेंस में मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं, उसको बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। पहला, न्यूक्लियर इनहेरिटेंस की अगर मैं बात करूं तो वहां पर मेल और फीमेल दोनों पेरेंट्स, बोथ पेरेंट कॉन्ट्रीब्यूट इक्वल टू देयर प्रोजेनी। दूसरा, न्यूक्लियर इनहेरिटेंस की खास बात यह है कि रिजल्ट ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉसेस आर सेम। लेकिन अगर मैं साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की बात करूं तो ये दोनों बातें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के केस में फिट नहीं बैठती। जैसे साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में मेल प्लांट का कॉन्ट्रीब्यूशन है केवल न्यूक्लियस, जबकि फीमेल प्लांट का कॉन्ट्रीब्यूशन है न्यूक्लियस एज वेल एज साइटोप्लाज्म। तो दोनों के फ्यूजन से जो जायगोट बनेगा
इसमें दोनों पेरेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में साइटोप्लाज्म का कॉन्ट्रीब्यूशन केवल फीमेल पेरेंट के द्वारा होता है, मेल पेरेंट के द्वारा नहीं होता। दूसरा, यहां पर रेसिप्रोकल प्रोसेस के रिजल्ट डिफरेंट होते हैं। वो कैसे डिफरेंट होते हैं मैं आपको आगे बताऊंगा, इसको बस ध्यान रखिएगा कि साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में दोनों पेरेंट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन एक तो इक्वल नहीं होता, दूसरा रेसिप्रोकल प्रोसेस के रिजल्ट साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में कभी भी सेम नहीं होते। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को हम तीन एग्जाम्पल्स से समझने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में मैं केवल एक ही एग्जाम्पल डिस्कस करूंगा, बाकी दो एग्जाम्पल मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। पहला एग्जाम्पल हमें स्टडी करना है प्लास्टिड इनहेरिटेंस इन मिराबिलिस, दूसरा एक्सपेरिमेंट हमें स्टडी करना है कप्पा पार्टिकल इनहेरिटेंस इन पैरामीशियम, और थर्ड हमें स्टडी करना है शेल कॉइलिंग इन स्नेल्स। इस वीडियो में हम केवल प्लास्टिड इनहेरिटेंस की बात करेंगे मिराबिलिस में। मिराबिलिस को हम 4 o'clock प्लांट के नाम से भी जानते हैं। इसका पूरा नाम है मिराबिलिस जलापा, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 4 o'clock प्लांट, और इसको हिंदी में गुलाबास के नाम से भी जाना जाता है। मिराबिलिस में प्लास्टिड इनहेरिटेंस को सबसे पहले कॉरेंस ने स्टडी किया था। इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात भी बताने वाला हूं, तो यहां जरा इसको ध्यान से समझिएगा। मिराबिलिस में 3 types की ब्रांचेस होती हैं, 3 types ऑफ ब्रांचेस। इसमें पहली ब्रांच जो है दैट इज ग्रीन ब्रांच, और इस ग्रीन ब्रांच पर ग्रीन लीव्स का फॉर्मेशन होता है। दूसरे टाइप की जो यहां पर ब्रांच है, दीज ब्रांचेस आर पेल ब्रांच, पेल कलर इज व्हाइटिश कलर, यानी यहां पर क्लोरोफिल नहीं है। दीज आर पेल लीव्स और व्हाइटिश लीव्स। तीसरी तरह की ब्रांचेस यहां पर मिलती हैं, एंड सच ब्रांचेस आर वेराइगेटेड ब्रांचेस, और वेराइगेटेड ब्रांचेस पर वेराइगेटेड लीव्स का फॉर्मेशन होता है। और वेराइगेटेड लीव्स क्या है कि यानी इन लीव्स में हमें ग्रीन स्पॉट्स भी मिलेंगे और पेल स्पॉट्स भी मिलेंगे, यानी वेराइगेटेड लीव्स आर स्पॉटेड लीव्स। अब देखिए जो ये ग्रीन ब्रांचेस हैं, इनमें ग्रीन लीव्स जो है, इनमें ग्रीन कलर जो है दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। तो ग्रीन ब्रांचेस पर जो ग्रीन लीव्स हैं उनका ग्रीन कलर किस वजह से है, क्लोरोप्लास्ट के कारण। जबकि जो पेल ब्रांचेस हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, यहां पर क्लोरोप्लास्ट की जगह कलरलेस प्लास्टिड पाया जाता है, एंड दैट प्लास्टिड इज ल्यूकोप्लास्ट। और जबकि अगर मैं वेराइगेटेड की बात करूं तो मैंने आपको बताया वेराइगेटेड लीव्स स्पॉटेड होती हैं, और इनमें ग्रीन स्पॉट भी है, यानी यहां पर क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है, और यहां पर पेल स्पॉट भी है, यानी यहां पर ल्यूकोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है। तो यहां पर जो इनहेरिटेंस है इन ग्रीन लीव्स का, पेल लीव्स का और वेराइगेटेड लीव्स का, ये इनहेरिटेंस साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है, साइटोप्लाज्म से गवर्न होता है। और कैसे गवर्न होता है हम इसको एक चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां पर मैं अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था उसको डिस्कस कर लेता हूं कि न्यूक्लियर इनहेरिटेंस में दोनों पेरेंट्स कॉन्ट्रीब्यूट इक्वल करते हैं। मैंने आपको बताया साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में इक्वल कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता, क्योंकि जाइगोट में जो साइटोप्लाज्म है दैट इज ओनली कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मदर साइड, मैटरनल साइड और फीमेल पेरेंट। दूसरा मैंने आपको बताया था रेसिप्रोकल क्रोसिस के बारे में।
मान लीजिए एक ग्रीन लीफ वाले प्लांट का क्रॉस, मान लीजिए इसको हमने यूज किया एज ए मेल, इसको हम क्रॉस कराते हैं पेल लीफ वाले प्लांट से और इसको हम यूज कर रहे हैं एज ए फीमेल। तो अब देखिए यहां पर जो एग होगा उस एग में क्या प्रेजेंट होंगे, ल्यूकोप्लास्ट, क्योंकि ये पेल लीफ शो कर रहा है। और मेल प्लांट से किस चीज का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, केवल और केवल न्यूक्लियस का। मेल प्लांट साइटोप्लाज्म का कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं करता। तो इनके फ्यूजन से जो जायगोट बनेगा, उस जायगोट में साइटोप्लाज्म कहां से आ रहा है, केवल और केवल पेल लीफ वाले प्लांट से। इसीलिए जो इस जायगोट से प्रोजेनी डेवलप होगी वो पेल लीफ को शो करेगी। अब देखिए इस क्रॉस को हम पलट देते हैं, अब हम ग्रीन को एज ए फीमेल यूज करेंगे और पेल को एज ए मेल यूज करेंगे। अब देखिए ग्रीन प्लांट कॉन्ट्रीब्यूट करेगा एग, जिसके साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, जबकि पेल प्लांट का कॉन्ट्रीब्यूशन होगा केवल न्यूक्लियस का। अब इन दोनों के फ्यूजन से जो जायगोट बनेगा, उस जायगोट में जो साइटोप्लाज्म आया, ये साइटोप्लाज्म आया केवल ग्रीन प्लांट से, इसीलिए इस साइटोप्लाज्म में भरपूर क्लोरोप्लास्ट होंगे और इनसे डेवलप होने वाली प्रोजेनी ग्रीन लीव्स प्रोड्यूस करेगी। अब देखिए साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में रेसिप्रोकल क्रॉसेस का रिजल्ट डिफरेंट होता है। एक क्रॉस में अगर पेल लीफ वाले प्लांट डेवलप हो रहे हैं तो रेसिप्रोकल क्रॉस के बाद ग्रीन लीफ वाले प्लांट्स डेवलप हो रहे हैं। तो ये दो बातें साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की याद रखनी है आपको। अब ये इनहेरिटेंस का पैटर्न क्या है इसको समझने की कोशिश करते हैं इस चार्ट के थ्रू। यहां पर जो इनर सर्किल है, इस इनर सर्किल को हम फीमेल प्लांट मानकर चलेंगे। फीमेल प्लांट में एग ग्रीन प्लांट का हो सकता है, पेल लीफ वाले प्लांट का हो सकता है, या वेराइगेटेड लीफ वाले प्लांट का हो सकता है। यानी यहां पर ग्रीन प्लांट के एग का इस्तेमाल होगा जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, यहां पेल लीफ वाले प्लांट का एग यूज होगा जहां ल्यूकोप्लास्ट प्रेजेंट है, और यहां वेराइगेटेड लीफ वाले प्लांट के एग का इस्तेमाल होगा। यहां ध्यान रखिए वेराइगेटेड वाले में क्लोरोप्लास्ट भी है और ल्यूकोप्लास्ट भी है। अब इनका हम क्रॉस कराते हैं। सबसे पहले हम ग्रीन प्लांट की बात करते हैं। फीमेल ग्रीन प्लांट का क्रॉस हमने कराया मेल ग्रीन प्लांट से। तो अब यहां ये फीमेल ये मेल, तो साइटोप्लाज्म किसका पहुंचेगा, ग्रीन का। इसीलिए इसकी प्रोजेनी कैसी डेवलप होगी, ग्रीन। अब देखिए अगर हम इसका क्रॉस पेल लीफ वाले मेल प्लांट से कराएं तो साइटोप्लाज्म किसका पहुंचेगा, ग्रीन का। इसीलिए यहां प्रोजेनी कैसी डेवलप होगी, ग्रीन। अब देखिए अगर हम इसका वेराइगेटेड लीफ वाले प्लांट से क्रॉस कराएं तो भी साइटोप्लाज्म किसका पहुंच रहा है, ग्रीन का, क्योंकि ये फीमेल प्लांट है तो ये एग कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो साइटोप्लाज्म किसका पहुंचा, ग्रीन का, और इस साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट। इसीलिए यहां पर प्रोजेनी कैसी होगी, ग्रीन लीफ वाली। अब हम पेल प्लांट को एज ए फीमेल यूज करेंगे, यानी पेल प्लांट का एग इस्तेमाल करेंगे, ग्रीन प्लांट का केवल न्यूक्लियस यूज करेंगे। यानी पेल लीफ वाले फीमेल प्लांट को क्रॉस कराया ग्रीन लीफ वाले मेल प्लांट से। तो यहां देखिए साइटोप्लाज्म का कॉन्ट्रीब्यूशन कौन कर रहा है, फीमेल प्लांट। इसीलिए इनकी प्रोजेनी कैसी होगी, पेल। अगर इसका क्रॉस हम पेल लीफ वाले से कराएं तो चूंकि साइटोप्लाज्म का कॉन्ट्रीब्यूशन ल्यूकोप्लास्ट का है, इसीलिए यह भी कैसा होगा, पेल। वेराइगेटेड वाले से कराएं कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि साइटोप्लाज्म में केवल क्या है, ल्यूकोप्लास्ट, इसीलिए ये कैसा होगा, पेल। अब तीसरी कंडीशन पे आते हैं। अब हम वेराइगेटेड प्लांट का भी क्रॉस तीनों से कराएंगे, ग्रीन से, पेल से और वेराइगेटेड से।
अब देखिए जब हमने इसका ग्रीन मेल प्लांट से क्रॉस कराया तो साइटोप्लाज्म का कंट्रीब्यूशन कौन कर रहा है? वेराइगेटेड लीफ वाला प्लांट। और वेराइगेटेड लीफ वाले प्लांट के साइटोप्लाज्म में, इसके एग के साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट भी है और ल्यूकोप्लास्ट भी है। तो मान लीजिए जायगोट में अगर क्लोरोप्लास्ट ज्यादा पहुंच गए तो प्लांट ग्रीन डेवलप होगा, जायगोट में अगर ल्यूकोप्लास्ट ज्यादा पहुंच गए तो पेल लीफ वाले प्लांट्स का डेवलपमेंट होगा, और अगर दोनों बराबर पहुंचे तो वेराइगेटेड प्लांट्स डेवलप होंगे, क्योंकि वेराइगेटेड वाले प्लांट के साइटोप्लाज्म में, वेराइगेटेड वाले प्लांट के एग के साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट भी है और ल्यूकोप्लास्ट भी है। तो ये दोनों की क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, अगर क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होंगे ग्रीन प्लांट डेवलप होगा, ल्यूकोप्लास्ट ज्यादा होंगे पेल प्लांट डेवलप होगा, दोनों इक्वल होंगे तो स्पॉटेड लीफ जनरेट होगी। अब देखिए अगर इसका हम पेल प्लांट से क्रॉस कराएं तो भी कंडीशन सेम है, अगर क्लोरोप्लास्ट ज्यादा पहुंच गए ग्रीन प्लांट, ल्यूकोप्लास्ट ज्यादा पहुंच गए पेल प्लांट, और दोनों इक्वल पहुंचे तो वेराइगेटेड। अब यहां वेराइगेटेड में देखिए सेम कंडीशन होगी, ग्रीन भी डेवलप हो सकते हैं, पेल भी डेवलप हो सकते हैं और वेराइगेटेड भी डेवलप हो सकते हैं। तो मिराबिलिस जलापा में जो ब्रांचेस का कलर है और जो लीव्स का कलर है, इसकी इनहेरिटेंस टोटल साइटोप्लाज्म से गवर्न होती है कि फीमेल प्लांट क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है। इससे कोई मतलब नहीं कि मेल प्लांट किस टाइप का है, मेल प्लांट ग्रीन है पेल है वेराइगेटेड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लांट में डेवलप होने वाली लीव्स और ब्रांचेस का कलर इस बात पर डिपेंड करेगा कि एग में कौन से प्लास्टिड्स प्रेजेंट हैं। सिमिलर रिजल्ट कॉर्न में भी स्टडी किए जा चुके हैं और सॉर्गम में भी स्टडी किए जा चुके हैं। So, the inheritance governed by the cytoplasm is called as cytoplasmic inheritance. Since cytoplasm is present outside the nucleus, that is why it is called extra nuclear inheritance. Moreover, cytoplasm is contributed by only the female plant, only from the mother side. That is why it is also called as maternal inheritance. अब जो मैंने interesting बात बताने को की थी, अब notice करिए, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम भी जिस जायगोट से डेवलप हुए हैं उस जायगोट में माइटोकॉन्ड्रिया का कंट्रीब्यूशन केवल हमारी मदर ने किया है, यानी हमारी सेल में जो पावर हाउस है वो हमें केवल हमारी मदर से मिला है। इसीलिए मां को शक्ति कहा जाता है, इसीलिए स्त्री को शक्ति का दर्जा दिया गया है, यानी हमारे अंदर जितनी भी एनर्जी डेवलप होती है That is all contributed by mother side or mitochondria. That's all.